CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम लालच, मुसन्निफ राम आसरा राज। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया। अरे मशकूब भाई। जी जनाब। जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है। लीजिए जनाब। लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो। जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले। रखो रखो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो। शुक्रिया शुक्रिया। अमृत वाला आ गया। ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब सुबह ही से अपनी मखसूस आवाजें लगाकर सड़कों के चक्कर काटता रहा, अमृत वाला आ गया। लेकिन शाम तक वो इतने पैसे भी ना कमा पाया जिनसे वो पेट भर खाना खा सकता। मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा। मशकूब भाई। जी जनाब। प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए। लो। बस बस। लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप। सही कहा मशकूब भाई। रहने का कोई ठिकाना है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं। अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए। मुसाफिर खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई जी आप बड़े मेहरबान आदमी हैं। क्या बात करते हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। इसमें नेकी की क्या बात है? आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा? ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। ये तो बड़ा नेक काम है। अब ये लीजिए। ये किताब, ये किताब किस लिए? इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है। अच्छा, हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए। जी 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 जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा। और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए। तौबा तौबा तौबा, वरना दवा का असर जाता रहेगा। जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा। और देखते ही देखते मुसाफिर आंखों से ओझल हो गया। उसी दिन से मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया। किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशकूब की दवा में इतना जबरदस्त असर होगा, लेकिन जैसे जैसे मरीजों को उसकी दवा से शिफा होने लगी, उनकी तादाद बढ़ती गई। लोग शिफा खाना पर मरीजों का हुजूम रहने लगा और मशकूब को लोग हकीम मशकूब के नाम से मुखातिब करने लगे। अजनबी की हिदायत के मुताबिक वो गरीबों को मुफ्त दवा देता था, अलबत्ता अमीरों से खूब पैसे लेता था। लोग मशकूब की हिकमत की तारीफें करते नहीं थकते थे। अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है। जनाब, मेरी खाला बीमार थी कितने सालों से और अब पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई है। हाथों में शिफा है हकीम साहब के तो। बिल्कुल है, एक इंसान जो है दवा में असर तो होगा ही। हकीम मशकूब का तो कोई सानी नहीं है। हाँ। लाजवाब इंसान है वो। मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा, गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा। अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया। पैसा लाए हो? यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुंह है खाली, आप चले आते हो? खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब। चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो। मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। बच्चे को गोद में उठाओ। बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो। मर जाएगा ये। गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। उधर हाफिजा भी जवाब दे चुका था। लाख कोशिश करने पर भी वो मुजर्रब नुस्खा उसे याद ना आया। मरीजों का हुजूम मुंतशिर होने लगा। जल्द ही उसकी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई। रफ्ता रफ्ता मकान भी नीलाम हो गया और फिर वो गरीबी की उसी हालत में पहुंच गया जहां से उसके दिन फिरे थे। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया। जो पिए मेरा पानी, रहे कर बिना ज्ञानी पिया। दिन भर
भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा, मशकूब भाई जी, मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। जरूर। घर पहुंचकर मशकूब से जो भी बन पड़ा खाने पीने का बंदोबस्त किया। खाने से फारिग हुए तो मुसाफिर ने मशकूब की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा, भाई जी, आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है। क्या बात करते हैं। मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अरे तो क्या हुआ। खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा। क्या, क्या कहते हैं आप? मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ। अच्छा, ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा। जी 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 जनाब, लीजिए ये किताब। ये किताब किस लिए? सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए। जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा। उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। मुसाफिर के साथ मिलकर बनाई हुई सोने की ईंटों से मशकूब ने फिर एक मकान खरीदा। अच्छे अच्छे कालीन बिछाए, कीमती सामान से घर को सजाया और ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने लगा। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है। ये मैंने क्या कर डाला, ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला। क्या किया? क्या खूब रंग जमा कर। वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था, अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं। या खुदा माफ। अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। ये मैंने क्या कर डाला? अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में
उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। या अली, ये कहकर बू अली सीना नजरों से ओझल हो गए। लालच, मुसन्निफ राम आसरा राज। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और बाबला कोचर, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।